तो भाई फिलहाल मेरा गाड़ी अभी 80 की स्पीड में चल रहा है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आगे पुलिस रोक रहा है भाई, यहाँ से निकलते तो बातें करते हैं। और यहाँ पे बताने कुछ आर्मी का जवान अगर खड़े हैं तो सैल्यूट करते हैं इन लोग। बड़ा जबरदस्त वाला यार जाम लग चुका है, तो ये चेक करें भाई यार। बताइए भाई साहब, चेक करें यार, वो भाई साहब जबरदस्त यार। ये देखो पिकअप कितनी, छठ पूजा को बदनाम करने का तो कोशिश एकदम मत करना यार। ये वॉल्वो बस का भाई रफ्तार आप लोग चेक करिए। सो हेलो एवरीवन, फिर स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू वीडियो में। हो चुका है सुबह भाई आप सबको गुड मॉर्निंग। तो फिलहाल अभी हमें धनबाद, ठीक है जस्ट भाई, अभी हमने धनबाद क्रॉस कर लिया है भाई। बता दे कल रात को हम खाना खा के घर पे सोने जा रहे थे, रात का बज रहा था 10:30, ठीक है। तो अचानक से हमारे ट्रांसपोर्ट वाले कॉल आया, बुकिंग कंफर्म हुआ, फटाफट गए गाड़ी को लोडिंग किया। 11 बजे रात को बनारस से चले थे, हमें जाना है धूलागढ़, वेस्ट बंगाल हावड़ा से भी आगे। तो वही रात भर गाड़ी चलाने के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं, 7 घंटा लगा है। तो फिलहाल अभी 5:30 बज रहे हैं और धनबाद में पहुँचे हैं जस्ट भाई। अभी रुके हैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो का इंट्रो शूट करने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, चैनल पे करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को भर भर के लाइक करना है आप लोगों को, एंड कॉमेंट करके बता रहा है कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, रात भर भाई इंतजार किया कि भाई कब सुबह होगा और कब हम वीडियो का इंट्रो शूट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे, क्योंकि भाई धनबाद अगर मैंने क्रॉस कर लिया है जस्ट भाई, अभी गोविंदपुर पहुंचने वाले हैं। बता दे भाई अपने गाड़ी में ना सेम लोड हुआ है, देख सकते हैं ये सेम है, ये बनारस का सेम है। और भाई साहब अपने गाड़ी का जो लाइट है ना जबरदस्त लग रहा है भाई, एक दो शायद उसमें खराब भी हो चुका है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करना है क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है। और हमको जो टाइम मिला है ना भाई बनारस से धूलागढ़ मंडी का टाइम हमको मिला है 12 घंटा में पहुँचना है, लेकिन मैंने पार्टी को बता दिया भाई 12 घंटे में तो नहीं पहुँच पाएंगे, कम से कम 13 से 13.5 घंटा हमें टाइम चाहिए। कोई नहीं, हम बनारस से 7 घंटा में हम यहाँ पे आ चुके हैं, अच्छा खासा टाइम हमने कवर पहले ही कर लिया था। तो चलो इधर से निकलते हैं। तो फिर से बता देते, लाइक करिए चैनल पे, सब्सक्राइब करिए, निकलते हैं आगे चल के फिर बातें करते हैं। तो भाई साहब फाइनली पहुंच चुके हैं वेस्ट बंगाल बॉर्डर। तो ये देख सकते हैं भाई, भाई क्या सीन है यार, जबरदस्त लग रहा है सुबह सुबह का नजारा यार। चलते हैं भाई, पहले बंगाल में एंट्री करते हैं फिर चलते हैं आगे, चाय वगैरह पीना है, काफी नींद लग रहा है। छोटा वाला भाई देख सकते हैं इधर सोया पड़ा है। तो चलिए पहले गाड़ी को एंट्री करते हैं फिर बातें करते हैं। तो भाई फाइनली बॉर्डर के अंदर एंट्री कर लिया गाड़ी को। तो हमारे एक भाई साहब का इधर भी गाड़ी है भैया भैया आ रहे हैं मधुपुर से ना भैया, भैया मधुपुर से और हम तो भाई बनारस से आ रहे हैं। भैया को भी धूलागढ़ जाना है और हमें भी धूलागढ़ जाना है। तो भैया हमारे मित्र भी हैं और हमारे सब्सक्राइबर भी हैं तो अब हम लोग साथ में ही चलेंगे। और हमारे एक भाई और हैं जो कि अभी आगे हैं, सेम लोड किए हैं, छोड़ा 11 बजे रात को तो चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे अभी। तो भाई फिलहाल मेरा गाड़ी अभी 80 की स्पीड में चल रहा है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे देखिए 80 भाई, इस लीटर पूरा फ्री हो गया है, मतलब इस 80 के ऊपर भागेगा ही नहीं क्योंकि भाई BS6 गाड़ी है। तो चेक करें आप लोग एक बार, ये देखिए 80 चल रहा है ना, 80 के ऊपर कांटा जाएगा ही नहीं भाई। बताए अभी सीन क्या हो चुका अपने साथ में, पार्टी बार बार फोन कर रहा भाई कहाँ हो जल्दी आओ जल्दी आओ। तो मैंने उनको बोला कि भाई दुर्गापुर पहुँचने वाले हैं, पहुँचे नहीं है। पार्टी बोला जल्दी से जल्दी आ जाओ भाई क्योंकि माल खराब हो जाएगा, माल नहीं बिकेगा। तो आगे पुलिस रोक रहा भाई, यहाँ से निकलते तो बातें करते हैं, पहले पुलिस से निपट ले। तो भाई वहाँ पे ना पुलिस वाला रोक रहा था यार, और ये साथ में जो गाड़ी है इनको इधर का ना पूरा नॉलेज है क्योंकि हमेशा धूलागढ़ जाता है और हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं धूलागढ़। वैसे तो भाई एक बार हम जा चुके हैं, सियालदा मंडी करवाए हैं, लेकिन भाई धूलागढ़ वाला मंडी जो है हम ना देखे हैं और ना कभी गए इसके पहले, तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। और ये जो भाई है ना हमेशा जाता है, तो ये भाई साइड से निकाला तो मैंने भी साइड से निकाल लिया क्योंकि वो ना पुलिस वाला नहीं था यार, वो होमगार्ड के जैसा ड्रेस होता है, पुलिस का ड्रेस का वाइट ड्रेस होता है पुलिस का, और एक होमगार्ड का ड्रेस वो नीला कलर का होता है। तो बहुत लोग डर जाते हैं कि यार पुलिस रोक लिया, तो भाई जो नीला कलर का होता है वो होमगार्ड होता है, ठीक है, ज़्यादा डरने की बात नहीं है। और एक चीज़ बताने वाले हैं वो कुछ देर बाद, मतलब जब हम दुर्गापुर टोल क्रॉस कर जाएंगे ना भाई तब आप लोग बताते हैं। तो फिलहाल भाई पहुंच चुके हैं दुर्गापुर टोल प्लाजा पे। बताइए
क्या ही मतलब है यार, छठ पूजा को बदनाम मत करो यार ऐसे। खुल जा भाई, खुल जा, खुल जा फटाफट करके खुल जा। तो भाई हर साल का यही नौटंकी होता है यार, जब भी अपना छठ पूजा होता है ना, छठ पूजा का दिन आने से 10 दिन 15 दिन पहले एक दोहरी ले लेंगे हाथ में, एक माला अगर चढ़ा लेंगे और बोलेंगे भाई हमें छठ पूजा करना, पैसे दे दो। भाई बता दें छठ पूजा का कुछ नियम होता है, जो हमारे घर पे माता जी लोग छठ पूजा करते हैं ना, अगर मांग जो उनको करना होता है तो एक नियम होता है कि आसपास के घर वाले से मांगना है, और नियम है कि 5 घर से सिर्फ मांगा जाता है पैसा, ठीक है। अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो माता और बहनें जो छठ पूजा करते हैं वैसे टोल प्लाजा पे खड़े होकर पैसा नहीं मांगता यार, क्योंकि उनका भी एक नियम होता है, हर चीज़ का एक नियम बना हुआ है कि आपको 5 घर से ही पैसा मांगना है। ये लोग पता है, ये लोग को छठ पूजा करना ही नहीं है और ना छठ पूजा के बारे में जानकारी है, बस इन लोगों क्या है कि त्यौहार आ गया है, पैसे चाहिए, टोल पे खड़े हो जाते हैं, बोल देते हैं कि छठ पूजा है, छठ पूजा है, कोई ना कोई पैसा दे देगा। लेकिन मुझे पता है ना भाई, क्यों मैं उनको पैसा दे दूँ यार, ठीक है। तो इस तरीके से भाई अगर कोई वीडियो देख रहा है ना, तो भाई छठ पूजा को बदनाम करने का तो कोशिश एकदम मत करना यार। तो भाई देखा आप लोगों ने, दुर्गापुर तो क्रॉस कर लिया, दुर्गापुर क्रॉस करने के बाद रुके हैं पेट्रोल पंप पे, यहाँ पे भाई डीजल टैंकर फुल करवाना है, उसके बाद फिर आगे का सफर कंटिन्यू करेंगे। तो इधर फुल हो रहा है अपना टंकी, तो चलिए फुल करवाते हैं, देते भाई से को पैसा, फिर निकलते हैं। फाइनली बर्दवान हम पहुंच चुके हैं, और भाई यहाँ पे ना जबरदस्त वाला यार जाम लग चुका है, तो ये चेक करें भाई आप सब यार, पूरा भाई पूरा का पूरा जाम लगा हुआ है। आइए आइए धीरे धीरे आइए भाई साहब। अभी पता है आगे ना रोड थोड़ा डिवाइड किया हुआ है, उसकी वजह से बहुत जबरदस्त यहाँ पे डेली का डेली जाम लग जा रहा है भाई। अब भाई मंडी का जो टाइम है ना, अब जाम लग गया, पार्टी का कॉल आएगा, बोलेगा भाई कैसे जाम लग रहा है, तो उनको वीडियो कॉलिंग करके दिखा देंगे भाई देखो जाम इतना लगा हुआ है, क्या ही कर सकते हैं। चलते हैं देखते हैं कब तक जाम खुलता है, खुलता है फिर आगे बढ़ेंगे, फिलहाल बर्दवान में है। तो फाइनली भाई पालसी टोल प्लाजा पहुँच चुके हैं, काफ़ी देर जाम में फंसे थे, जाम से निकल के आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी आगे देख रहे हैं जाम ही लगा हुआ है। पता नहीं भाई साहब क्या हो रहा है आज यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, कब तक यहाँ से निकल पाते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा ही टाइम हो जा रहा है भाई, अब इतना लेट इधर हो जाएगा तो पता नहीं कब तक पहुँच पाएंगे हम लोग। बता दें भाई अभी टाइम हो चुका है 9, और यहाँ पे पता नहीं कुछ आर्मी का जवान वगैरह खड़े हैं, तो सैल्यूट करते हैं इन लोगों को, क्योंकि भाई अच्छा ये लग रहा है, अरे अच्छा आर्मी का है क्या यार, देखो देखो देखो, अरे इतना बड़ा ट्रक आर्मी का यार, क्या बात है भाई, अभी वॉल्वो है यार। ओ भाई साहब कुछ उसमें कुछ ऐसा आइटम जा रहा होगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग ट्रक था और वो भी वॉल्वो का था। जवान भी खड़े और आर्मी, उसको जो गाड़ी के कलर भी अलग था, आर्मी कलर का था। तो चलिए आगे चल रहे हैं, पूरा पूरा जाम लगा है भाई। तो भाई पहुंच चुके हम जोग्राम, यहाँ पे ना थोड़ा फ्रेश अगर होना था और हमें चाय भी पीना था, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने चाय अगर नहीं पिया हुआ था, तो हमारे साथ में भाई साहब भी हैं और अपना दो गाड़ी झूलागढ़ के लिए है। तो चलिए चाय अगर पी लिया है, अभी निकल रहे हैं आगे, अभी डायरेक्ट दानकुनी में आप लोगों से मुलाकात करेंगे। दानकुनी टोल पे सुनने में आ रहा है बहुत तगड़ा वाला जाम लगा हुआ है, और दानकुनी में आप कभी भी जाएंगे ना तो हमेशा आपको जाम ही जाम मिलेगा। चलो चलो जल्दी चलो चलते भाई आगे साहब, दानकुनी पहुंचने वाले हैं, और ये वॉल्वो बस का भाई रफ्तार आप लोग चेक करिए भाई, पता नहीं इन लोगों को कौन सा जल्दी होता है वॉल्वो बस को। ये आसनसोल से चला है और हावड़ा तक का इसका सफर रहता है भाई, बारूद के जैसा जाता है, मतलब सन 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 करके निकलता है भाई, हारन देते हुए दबाते हुए निकलेगा ये, ठीक है। इस तरीके कुछ यहाँ का सीन है वॉल्वो बस का सिर्फ। फिलहाल अभी दानकुनी हम पहुंचे नहीं, दानकुनी पहुंचने वाले हैं। तो भाई काफी मेहनत के बाद, काफी जाम से निकलने के बाद, मतलब बहुत देर तो भाई जाम में फंसते गए निकलते गए, तो फिलहाल पहुंच चुके हैं दानकुनी टोल प्लाजा। भाई साहब काफी दिन बाद आ रहे हैं दानकुनी टोल प्लाजा, दानकुनी पहुंच गए, मतलब हम वेस्ट बंगाल का जो हावड़ा है ना, हावड़ा पहुंच गए। वैसे तो वेस्ट बंगाल तो भाई चिरकुंडा बॉर्डर के थोड़ा सा आगे से ही लग जाता है, लेकिन भाई हम फिलहाल हावड़ा पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से जो मंडी का सफर है 18 से 20 किलोमीटर और हमें जाना है। तो ये गाड़ी वाले भाई साहब हैं, बिहार नंबर है, आसनसोल किंग लिखवाए हुए हैं, मतलब हमारे मित्र है, जैसे कि सुबह ही बता दिया था भाई, इन्हीं के पीछे पीछे लगे हुए हम भी, देख सकते हैं पूरा दानकुनी टोल प्लाजा है ये। खुल जा भाई खुल जा, फटाफट निकलते हैं यहाँ से। दादा ताताली खुले दाओ, तू गाड़ी चले जाच्छे हमार ओइदिके, हमार गाड़ी चले जाच्छे ओइदिके, एकटू ताताली खुले दाओ।
तो भाई थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ पे क्योंकि थोड़ा फास्टैग में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। अरे तथा नहीं खोले दादा सब्जी गाड़ी ना, तो मैंने इनको बंगाली में बोला कि भाई सब्जी गाड़ी थोड़ा जल्दी जल्दी खोल दीजिए। अरे भाई गाड़ी आगे निकल जा रहा है, उनको फ़ोन कर दो बोल दो भैया खोल दीजिए। तो शायद वाला मशीन काम नहीं कर रहा, इसी वजह से भैया देखिए इससे खोल रहे हैं। सही है ये भाई साहब, 5 मिनट वेट करने के बाद खुला है यार। 5 मिनट काफी होता है, वो गाड़ी आगे निकल गया, अब उसको पकड़ना पड़ेगा भाई। तो चलिए पीछा करते हैं उसका। दानकुनी टोल क्रॉस कर लिया हमने भाई साहब, चेक करे यार। तो फर्स्ट टाइम फाइनली दूल्हागढ़ मंडी हम पहुंच चुके हैं। तो ये है भाई मंडी का गेट, इसके अंदर गाड़ी को एंट्री करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे शायद कुछ पैसा कर लगता है, शायद टोल है यार। हाँ टोल है भाई, पूछेंगे कि टोल है कि क्या है भाई। तो फाइनली अभी गेट के अंदर है, तो यहाँ पे 70 रुपए का पार्किंग का रसीद काटा गया देख सकते हैं। तो पैसा अगर अभी आओगे ना, ये 10 का नोट दे दीजिए। अरे सिक्का देता का कोई लेता नहीं यार। तो चलो भाई यहाँ पे अंदर गाड़ी को पार्क करने का 70 रुपए का रसीद कटता है। बड़ा गाड़ी का भी कटता है ना? अच्छा चलिए चलिए। पार्टी का कॉल भी आ गया और मंडी के अंदर भी घुस गए। खूबसूरत सा मंडी है देख सकते हैं। पार्टी कॉल उठाओ ना यार, बताओ। अच्छा ये देख सकते हैं भाई, काफी सारा गाड़ी लगा हुआ है इधर। भाई साहब जबरदस्त सीन है यार, ये चेक करें एक बार आप लोग। भाई ज्यादातर यार आंध्र प्रदेश वाला ही गाड़ी यहाँ पे दिख रहा है दोनों साइड में देख सकते हैं। ये देखिए दोनों साइड में भाई आंध्र प्रदेश वाला ही गाड़ी दिख रहा है। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं मंडी के अंदर में, और छोटा वाला भाई इधर फिलहाल रस्सा तिरपाल खोल रहा है। ये देखिए ये भी गाड़ी आ चुका है, लेकिन ये भाई बंगाल टाइगर है। देखिए जा भाई जा, पपीता है वे। हाँ जल्दी हम लोग रस्सा तिरपाल खुलवाते हैं फिर माल खाली करते हैं। और हमारे साथ जो भैया आए थे उनका भी गाड़ी इसी गद्दे में खाली होगा, सामने लगा हुआ। देखिए भैया रस्सा खोल रहे हैं। तो चलिए पहले गाड़ी खाली करवाते हैं फिर भाड़ा किराया लेके निकलते हैं। तो ये भाई दूल्हागढ़ का मंडी भाई, बहुत धूल लग रहा है। और भाई यहाँ का ना टाइमिंग भाई पता नहीं चल रहा है कितने बजे का टाइमिंग यार, लेकिन अपने सही टाइम पे पहुँच गए हैं। वहाँ पे हमें रात को 10:30 बजे छोड़ा गया था और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं 11:30 बजे सुबह। अभी 11:30 बज रहा है ठीक है। तो चलिए पहले खाली करके निकलते हैं तो बातें करते हैं। फाइनली भाई काफ़ी देर इंतजार करने के बाद अपना गाड़ी भाई खाली होने लगा है। तो ये देख सकते हैं इधर ये जो सेम है उतरना चालू हो चुका है ये देखिए। और आप लोगों को थोड़ा देर बाद अंदर का मंडी भी घुमाएंगे, दर्शन कराएंगे दूल्हागढ़ का मंडी। तो चलिए पहले गाड़ी खाली करवाते हैं। इधर देखिए वजन हो रहा है, वजन होने के बाद जो माल है वो खाली हो रहा है धीरे धीरे करके। जैसे कि आप लोगों को बताया दूल्हागढ़ मंडी फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को मंडी दर्शन करवा देते हैं। तो भाई यहाँ पे काफ़ी अच्छा सब्जी अगर मिल जाता है आप लोगों को, देखिए जो हमारा सेम आया हुआ वो अंदर जा रहा है बिकने के लिए। तो इधर भाई बैगन अगर रखा हुआ है देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन बैगन है गोल वाला, और इसका भाई भाजी बना के खाने में ना मज़ा आ जाता है। आप लोगों को एक चीज़ और दिखाते हैं, सहजन। ये देखिए सहजन भी यहाँ पे आ चुका भैया। कैसे केजी है? 200 रुपये किलो। तो भैया भी 200 रुपये किलो बता रहे हैं इसको। और भैया आप कहाँ से बता रहे थे? आता है चेन्नई से। हाँ तो अभी फ़िलहाल ये जो सहजन है ना इतना ताज़ा है, और ये अभी फ़िलहाल चेन्नई से आता है। और कहाँ कहाँ पे इस टाइम पे हो रहा है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हमें पता चले भाई कहाँ कहाँ पे इस सीजन में होता है मतलब सहजन। तो ये देख सकते हैं इधर है परवल, ये है भाई बंगाल का परवल जो कि पूरा भाई यहाँ पर रखा हुआ है भर के। इधर पूरा बैगन है भाई, बहुत बड़ा मंडी है। अंदर तो नहीं जाएंगे क्योंकि गाड़ी अगर इधर अपना खाली हो रहा है, थोड़ा बहुत आप लोग को ऐसे घुमा देते हैं। ये देखिए इधर मिर्च वगैरह उतर चुका है, अभी बिकने लगा है, मतलब कुछ देर बाद बिकना चालू भी हो जाएगा, ग्राहक आने लगे हैं। अभी बता दें अभी टाइम हो रहा है दिन का 12। भाई मिर्च का जो झांझ होता है ना जाता है तो खांसी आने लगता है। तो इधर हमारे दादाजी बेच रहे हैं नींबुआ, ये देखिए भाई नींबू। तो चलिए पहले गाड़ी खाली करवाते हैं फिर यहाँ से जब निकलेंगे तो फिर बातें करते हैं भाई। तो इधर हम लोग बनवा रहे हैं गन्ना का जूस, भाई साहब बना रहे हैं। भैया आपको पीना है ना? 4 गिलास बनवा ले, 4 गिलास 4 गिलास बना दीजिए भैया। तो देख सकते हैं भाई साहब बना रहे हैं गन्ना का जूस। दादा जल टल दो नहीं तो बालों को तो दिवा किंतु। तो चलिए पहले गन्ना का जूस पीते हैं, गाड़ी अपना हो चुका है खाली, किराया अगर लेंगे उसके बाद फिर आगे आप लोगों को बताते हैं क्या करना है। चलिए भाई जूस अगर पी लिया, और पीछे भाई जाली अगर मैंने बांध दिया ताकि जो बत्ता मेरा है ना यार बार बार हिलता है, मान लो कहीं गड्ढा अगर में गिरता खड़खड़ आवाज़ करता है,
तो इसको मैंने टाइट कर लिया ताकि आवाज ना करे। तो निकालते हैं पहले, गाड़ी खाली हो चुका है, इसको अब उधर साइड लगाएंगे। साइड लगा के आएंगे तो अपना भाड़ा किराया लेके फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे यार, क्योंकि यार बहुत थक चुके हैं। तो चलिए पहले गाड़ी को साइड लगाते हैं। ओ भाई साहब जबरदस्त यार, ये देखो पिकअप कितना मस्त, इसमें रेडियम अगर लगा दिया गया है भाई, जो रेडियम लगाया होगा ना, इतना मैचिंग रेडियम लगाया है कि पूरा गाड़ी भाई लुक भाई जबरदस्त हो चुका है। देखिए बम्पर से लेके पूरा, लेकिन यार कुछ ज़्यादा हो गया यार, थोड़ा सा कम लगाता तो और सोप लगता, मतलब और अच्छा लगता। देखिए 4X4 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए भाई आगे से लेके पूरा पीछे तक पूरा रेडियम का इसमें काम हुआ है, जबरदस्त लग रहा है। ये बंगाल का बॉडी और पूरा ये लकड़ी का पूरा बना है ना दादा, एटा काठेर पूरा बॉडी का काठेर, तो भाई ये जो बॉडी बना है ना ये पूरा लकड़ी का बनाया गया है। चलो बहुत अच्छा लग रहा है था, बहुत मस्त। फाइनली अपना खाना खाना हो चुका है, अभी फिलहाल जा रहे सोने के लिए। बता दें वाराणसी से दूल्हागढ़ मंडी हमने माल पहुंचा दिया 12:30 घंटा में। तो हमारा जो व्यापारी का माल था, फाइनली व्यापारी का माल बिक चुका है, अपने को भाड़ा करा भी मिल चुका है। और छोटा वाला भाई देखो कहाँ पे सोया है, वो देखो सो के फोन चला रहा है, वहीं पे वो सो जाएगा और हम यहाँ पे पंखा चालू करके सो जाएंगे। अगली बार से ना छोटे वाले भाई को यार साथ में नहीं लेके आएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो सोने का प्रॉब्लम, मतलब सबसे ज़्यादा सोने का ही प्रॉब्लम, एक तो ऊपर से उसका ऑपरेशन पहले से हो रखा है, तो थोड़ा बहुत ना पेट में दर्द कर रहा है, क्योंकि भाई ढाला वाली गाड़ी है तो बहुत ज़्यादा ना चलता है तो पटकता है, तो उसके वजह से भी कुछ प्रॉब्लम ना हो इसी वजह से। और वो आता है साथ में ना, ऐसा नहीं कि वो ड्राइव करता है, रात भर ड्राइव हमें करना पड़ता है, साथ में सिर्फ बैठा रहता है। हम लोग क्या है ना कि सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं रात भर, कुछ ना कुछ टॉपिक छेड़ लेते हैं, बातें करते हैं, जैसे भगवद गीता अगर हम लोग सुन लेते हैं तो उसके विषय में कुछ बातें कर लेते हैं, बहुत सारा चीज़ें हैं ठीक है लाइफ में आगे क्या करना है हम लोगों को, तो हम लोग दोनों भाई मिलके फैसला करते हैं। तो धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ बातचीत होते रहता है, हम लोग अपने अंदर ही अपना जो मोटिवेशनल है, मतलब अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि भाई ये चीज़ हम कर सकते हैं, तो इसी तरीके से कुछ कुछ हम लोग बात करते रहते हैं। तो अगली बार से छोटे वाला भाई को हम नहीं लेके आएंगे, छोटा वाला भाई घर पे रहेगा क्योंकि उसका भी तबीयत सही नहीं रह रहा है ठीक है। तो सोने जा रहे हैं, सो के जब उठेंगे तो बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं भाई, क्योंकि अकेला गाड़ी चला के आना 750 किलोमीटर वो भी 12:30 घंटा में, भाई काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो चलिए जब सो के उठेंगे तो बातें करते हैं। भाई जस्ट अभी सो के उठे हैं, अभी शाम का 6 बज चुका है और भाई यहाँ पे ना इतना गाड़ी लगा हुआ है पार्किंग में दूल्हागढ़ मंडी में, और थोड़ा सा ना यहाँ पे गंदगी है यार, गाड़ी वालों के लिए कुछ भी सोचा नहीं जा रहा, मतलब गंदगी क्या इतना ज़्यादा यहाँ पे। देखिए सब टॉयलेट वगैरह करते हैं उधर, भाई पॉटी करने भी चले जाते हैं बहुत लोग, करेगा नहीं कहाँ करेगा, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे शौचालय है, शौचालय अगर है कि नहीं, शौचालय है लेकिन गंदा स्थिति है, भाई लोग बता रहे हैं इतना ज़्यादा यहाँ पे गाड़ी है। और बहुत बड़ा कोलकाता का मंडी है, थोड़ा सा यहाँ का ना रोड अगर सही नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, गंदगी होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर है। तो हम सोए थे, अचानक से मच्छर काटने का पंखा अगर चल रहा था, जैसे ही शाम हुआ वैसे मच्छर घुसने लगा केबिन के अंदर में। छोटा वाला भाई पीछे सोया था, वो परेशान होकर उठ गया, अरे यार हटो हटो गाड़ी यहाँ से हटाओ, तो वहाँ से गाड़ी को जस्ट हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो हमें अभी यहाँ से निकलना है राणा घाट वाले रोड पे, तो अभी शाम का 6 बज रहे हैं, अभी हम लोग नहीं निकलेंगे, हम लोग निकलेंगे रात को 10 बजे। और एक्चुअली अभी यहाँ पे काली पूजा का सीजन चल रहा है, मतलब काली पूजा चल भी रहा है, तो इसी वजह से जो फैमिली अगर लेके निकलते हैं घूमने के लिए, उनका सुरक्षा के लिए भाई अभी नो एंट्री लगा के रखा है वेस्ट बंगाल सरकार, तो जैसे ही खुलेगा नो एंट्री तो हम लोग निकलेंगे। लेकिन हम भाई इधर से 12-7 वाला रोड से नहीं जाएंगे, भाई लोग बता रहे हैं कि इधर से थोड़ा सा परेशानी होगा आपको, इसी वजह से हम निकलेंगे कालना वाला रोड से, कालना घाट डाक के शांतिपुर, शांतिपुर से फिर हम निकलेंगे राणा घाट, राणा घाट से फिर हम निकलेंगे दत्तो फुलिया वाले रोड पे। तो वो सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा मॉर्निंग में कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि भाई अब रात हो चुका है, वीडियो कंटिन्यू करने से कोई मतलब नहीं है। कुछ भाई लोग इधर है, इधर है, इधर एक भैया है, पहले से वीडियो आप देखते हैं मेरा, एक भैया इधर है। तो मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस, प्यार में सपोर्ट बनाए रखिए। और कौन कौन वेस्ट बंगाल से वीडियो को देख रहा है कमेंट एंड लाइक शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं अलग वीडियो, तब तक डाटा।